हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आरकेएस एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे आरबीएससी क्लास सिक्स के चैप्टर 3 और 4। आइए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर 3 का नाम है इतिहास जानने के स्रोत। तो इसके अंदर लिख रखा है कि प्राचीन काल के अंदर इतिहास के अध्ययन के लिए हमें दो स्रोत मिलते हैं। एक तो क्या था, पुरातात्विक, और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत यानी कि प्राचीन काल के वे अवशेष जिससे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भ में समझने में सहयोग मिलता है, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोई अभिलेख हुआ, कोई मुद्रा हुई, कोई स्मारक, कोई कलाकृति या कोई उत्खनन से प्राप्त सामग्री। तो आइए जैसे अभिलेख के बारे में देखते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। ये हमें शिला लेखों, पाषाण शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं यानी कि मठों के शिलापत्र या ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, यानी कि इस टाइप का शिला लेख है। इसकी उपयोगिता क्या है? शिला लेख गद्य व पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उसके आश्रित लोग, उसकी रानियां, राजकुमार, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्य और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो राजा शिलालेख लिखवाता था उसमें अपने आश्रित लोगों के, राजकुमारों के, सामंतों की, घटना की तिथि वगैरह ये सब लिखवाता था। साथ ही इससे हमें तत्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। प्रमुख अभिलेख जैसे कि नगरी अभिलेख, कंसुआ अभिलेख, गडियाला, किराड़ू, नानसा, बरनाला, सामोली अभिलेख, इससे हमें राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि का दान और राजनीतिक सीमाओं की जानकारी मिलती है। जैसे कि गडियाला अभिलेख है, उससे हमें प्रतिहार और बिजोलिया शिलालेख, मतलब गडियाला अभिलेख से प्रतिहारों की, बिजोलिया अभिलेख से चौहानों का इतिहास, और जो चिरवा का अभिलेख है उससे रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। यानी कैसे पूछ ले कि चौहानों का इतिहास कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है, तो बिजोलिया में। और पूछ ले कि रावल समर सिंह के युग की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है, तो वो है चिरुआ का अभिलेख। ठीक है, हम पढ़ा अभिलेख के बारे में। उसके बारे में पढ़ बाद में आता है स्मारक। जैसे ये कि राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है, जैसे चित्तौड़गढ़, जालौर, गागरौन, रणथंबोर, आमेर, मेहरानगढ़, नारागढ़, कुंभलगढ़। इनके अलावा इनके भवन, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी कूप, ये भी स्मारक ही कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर राजा अपनी जो पट्टी वगैरह बनवाता था और उसमें अपना जानकारी लेता था। इससे हमें उस टाइम की जो स्थापत्य कला थी, धार्मिक विश्वास थे, उपासना पद्धति थी, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते। उसके बाद आती है मुद्राएं। मुद्राएं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यानी कि जैसे कोई सिक्का, ये छोटा सिक्का है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये और ये बड़ा सिक्का, यानी कि ये सिक्का जैसे चांदी का है और ये सोने का है, तो पता चल जाएगा कि ये राजा ज्यादा समृद्ध था, उसने बड़े सिक्के बनवाए, सोने के बनवाए। इसके टाइम इतनी ज्यादा आर्थिक समृद्धि नहीं थी, तो उसने छोटे सिक्के और चांदी के बनवाए होंगे। तो इस मुद्राओं में हमें उत्कीर्ण चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य और शासक की शक्ति के सूचक भी थे। आहड़, रेड, पिराट, रंग महल, सांबर, सुखाणिया के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों में मुद्राओं से मालव, चौहान, गुहिल वंशों की जानकारी मिलती है। यानी कि हमें देख लिया सिक्कों से भी पता चलता है। उसके बाद है बर्तन। उत्खनन से हमें तत्कालिक बर्तन आदि कलाकृतियां प्राप्त हुई है। कलाकारियों में बर्तनों पर चित्रण, खम्भों पर खुदाई, किवाड़ की कारीगरी भी देखने को मिलती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि से उस काल की कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों में उत्खनन से मृद भांड, प्याले, धूम्रपत्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को समझ सकते हैं। जैसे कि गणेश्वर सभ्यता का नीम का थाना सीकर में, इससे हमें ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा जयपुर में है। ये पूछा जाता है कि जोधपुरा संस्कृति कहाँ स्थित है, तो लोग जोधपुरा को जोधपुर करके आ जाते हैं। जोधपुरा जोधपुरा में नहीं, जयपुर के अंदर है। नौ सभ्यता भरतपुर के अंदर है। इससे हमें काले व लाल मृदभांड, आहड़ व गिलून से प्रशस्त्र फलक आदि में कला कौशल देखा। उसके बाद आते हैं ताम्रपत्र। तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार का पता चलता है। उसके बाद में साहित्यिक स्रोत।
यानी कि जो इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू और फारसी में लिखा हुआ साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को समझने में वेद पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथों की सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक करत पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक ने। इस महाकाव्य से हमें चौहानों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। नयन चंद्र सूरी कृत अमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी ने क्या लिखा था? अमीर महाकाव्य। से हमें चौहानों के इतिहास के साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय, उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। यानी कि पृथ्वीराज विजय लिखा था, आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। एक तो है पृथ्वीराज रासो, रासो ये लिखा था चंद्रवरदाई ने, चंद्रवरदाई। एक है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय ये लिखा था जयानंद। तो आप ऐसे याद रख लो, इसमें जय आ रहा है तो ये भी जय ही है, मतलब पृथ्वीराज विजय जयानंद की और रासो चंद्रवरदाई की, और हमीर महाकाव्य नयन चंद सूरी का। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो जन्म बताए चंद्रवरदाई द्वारा, अचलदास कीर्ति की वचनिका, पद्मनाभ द्वारा कृत कान्नड़ देव प्रबंध, ये भी इम्पोर्टेंट है प्रबंध नाव, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जगह कृत वचनिका आदि उल्लेख है। खयात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजवंशों के वंश विक्रम आदि क्षेत्र का वर्णन मिलता है। जैसे कि नैन्सी की ख्यात, बांके दास की ख्यात, जो ख्यात लिखी जाती थी उसके अंदर उस राजवंशों की स्थापना, राजाओं का क्रम आदि, उस राजा का जो एरिया था उसका वर्णन मिलता था। जैसे कि नैन्सी की ख्यात, बांके दास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात, आदि समय उसके राज्य का इतिहास पता चलता है। फारसी, उर्दू, तवारीख यानी कि इतिहास ग्रंथों से हमें उस काल के राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। और यह है कर्नल जेम्स टोड द्वारा कृत एनालिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये तो सबको बताएगी जेम्स टोड की। इसके अलावा एक बुक और लिखी थी उन्होंने, था पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर, कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद, और विश्व सर्वनाथ रेव कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास। गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर जोधपुर सिरोही डूंगरपुर बांसवाड़ा, यानी कि सब इनके ग्रंथों के बारे में बता रखा है। अभिलेख क्या होता है? ताम्रपत्र या पत्थर आदि भी खुदा वाले, उत्खनन मतलब खुदाई, मृत भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। वंश भास्कर के लेखक थे, वंश भास्कर लिखा था, वंश भास्कर हमने पढ़ा था। यहाँ पे नयन चंद सूरी का मीर महाकाव्य विचनिका, ये था सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर। तो इसका आंसर होगा सूर्यमल मिश्र। प्रश्न साहब लिखे हुए अभिलेख को कहा जाता था, अभी हमने पढ़ा। प्रशस्त साहब जो लेख लिखते थे उनको क्या कहते थे? प्रशस्त साहब में लिखे हुए अभिलेखों को प्रशस्त कहा जाता था। प्रशंसकृत में उत्कीर्ण शिलालेख, या कौन सा शिलालेख था जिससे हमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती थी? ये था रावल समर सिंह वाला था चिरुआ का अभिलेख, जिससे हमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। और राजस्थान के किन्हीं तीन दुर्गों के नाम लिखने, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, और मुद्राओं का क्या योगदान था? जो आर एस मेन्स वगैरह होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि मुद्राओं का क्या योगदान है। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी दीजिए। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इतिहास जानने के लिए दो स्रोत होते थे, एक तो पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वो थे जैसे कि कोई अभिलेख हुआ, या फिर कोई स्मारक हुआ, या फिर कोई मुद्रा हुई, या फिर कोई बर्तन या कलाकृति हुई, या फिर कोई ताम्रपत्र। उसके अलावा दूसरा स्रोत था हमारे पास साहित्यिक स्रोत, जिसके अंदर जो किताबों के नाम लिख रखे हैं वो आप याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, यानी कि जब उत्खनन, हमें यहाँ पे खूब सारे उत्खनन मिले हैं जिससे हमें उस काल का इतिहास उपलब्ध मिलता है। प्रशस्त युग में मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था और जंगलों से कंदमूल एकत्रित कर अपना पेट भरता था। उसने कुल्हाड़ी, गंडासा, छुरा आदि हथियार बनाए थे। राजस्थान में प्रशस्त युग के ये उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेड़ेश्वर और चंबल नदी की घाटियों में मिलते हैं। प्रशस्त युग के बाद ताम्र कांस्य काल और उसके बाद लोपा युग के अवशेष मिले। सबसे पहले इंसान ने पत्थरों से शिकार करना शुरू किया, यानी कि पत्थर थे उसके बाद। उसके बाद उसने ताम्र
तांबे की खोज की, तांबा और कांस्य का। उसके बाद उसने लोहे के हथियार बनाने शुरू किए, यानी कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य, मतलब पहले वो सिर्फ शिकार करता था, फिर पशुपालन करने लगा, तो वो धीरे धीरे जगह रहने लग गया और कृषि कार्य करने लग गए। मतलब पत्थर के स्थान पे धातु में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था, यानी कि पहले प्रशस्त युग था, फिर तांबर, फिर लोह युग आया था। और राजस्थान में तांबर सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ है? कालीबंगा, बनेश्वर और आहड़। ये कालीबंगा स्थित अवशेष दिखा रखा है, यह है राजस्थान के सभ्यता के प्राचीन केंद्र, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें दिखा रखा है हनुमानगढ़, पीलीबंगा, कालीबंगा, रंग महल, बड़ा पोल, ये चारों हनुमानगढ़ में। ऐसे क्वेश्चन आता है कि रंग महल कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ रंग हो गए महल की सभ्यता थी। सोनथी बीकानेर के अंदर है, तीलवाड़ा, तीलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, गिलूंड की सभ्यता राजसमंद में है, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, नगरी की सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, नगर की टोंक में, यानी कि नगर सभ्यता है वो है टोंक की और नगरी है वो है चित्तौड़गढ़ की। रेट रेट भी टोंक की। भरतपुर के अंदर दर है, नो भी देखा था हमने, विराट विराट सीकर में है, गणेश्वर की सभ्यता ये भी सीकर में है, सुनारी की सभ्यता ये झुंझुनू में है, जयपुर में कौन सी थी? जयपुर में थी जोधपुरा। अभी इन सभ्यताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने रखा है कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में दृष्टि और सरस्वती नदी की घाटियों में अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इसमें हनुमानगढ़ जिले में गंगा नदी के किनारे कालीबंगा स्थित, कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में गंगा नदी के किनारे। बाद में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का नगर मिला, जहाँ मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मकानों में 4 बड़े और कुछ छोटे कमरे थे, यानी कि उसमें मकान होता था, इससे पहली बात उसमें ईंट लगी हुई थी, दूसरी एक मकान के अंदर 4-5 कमरे और कुछ छोटे कमरे भी थे, और गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। मतलब गंदे पानी की व्यवस्था थी वो लकड़ी की नालियां थी। यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिनमें अग्निकुंड यानी कि वेदिकाएं संभवतः या धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त होते थे। एक दूसरा टीला मिला है, यहाँ पे दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि, यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथीदांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां और खिलौने मिले हैं। कालांतर में पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती उजाड़ हो, यानी कि कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की, हनुमानगढ़ जिले में है, गंगा नदी के किनारे हैं, बीबी लाल और बीके थापर भी कालीबंगा से संबंधित है, और इस यहाँ पे क्या हुआ, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ पे जो गंदे पानी की निकासी के लिए लकड़ी की नालियां मिली है, यहाँ पे अग्निकुंड और वेदिकाएं भी मिली है। अगटपुर या आहड़, ये पहले उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिनको स्थानीय लोग थूल कोट कहते हैं, यानी कि आघाटपुर या आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है। बेड़च या आहड़ नदी के किनारे है, उसे थूल कोट भी कहता है। यह बस्ती ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने से यह नाम पड़ा। ताम्रवती या तांबावती किसको कहते हैं? आहड़ को। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। ये देखो, तांबे का पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा और तांबे की छुरी, ये सब पहाड़ों से मिले हैं। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारों पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई है। इसकी छत बांस और कोलू से बनी हुई है। बड़े कमरों के बीच में बांस की पट्टी पर मिट्टी चढ़ाकर छोटे छोटे कमरे बांस के, यानी कि बड़ा कमरा होगा उसके बीच में से बांस लगा के, बांस की वजह से छोटे छोटे कमरे बना दिए। और एक मकान में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं, जो सामूहिक परिवार या सामूहिक भोज के हिसाब से, मतलब से पूछ ले कि एक घर में 5 से 6 चूल्हे कौन सभ्यता मिले हैं, तो याहड़े मिले हैं। यहाँ उच्च कोटि के चावल मिलते थे। यहाँ भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिससे माना जाता है कि तांबा पिघलाया जाता होगा। पहाड़वासी बर्तन बनाने की कला में भी दक्ष थे। देखो आप, तांबे के बर्तन बना दिए, कुल्हाड़ी बना दी। यहाँ लाल पूरे मृदभांड मिले हैं। पहाड़ की धूल कोट 1952-52 में उत्खनन में तस्करियां मिली, दीपक मिले, धूपदान मिले, कटोरियां मिली, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 प्रकार के मणिके,
छह तांबे की मुद्राएं, तीन मोहर, ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और किलूंड और भगवान जैसे स्थान पर चले गए। तो अब देखते हैं बालातल। बालातल कहाँ है? उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील के बालातल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहार सभ्यता से संबंधित, यानी कि उसके आसपास जरूर यही होगी है। यहाँ 11 कमरों का एक बड़ा भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह भी मिले हैं। बालाथल में तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, पान जैसे उपकरण और कर्णफूल गले के हार आभूषण मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। कृषि, पशुपालन, शिकार यहाँ के आजीविका के साधन थे। यहाँ पे लोहे काल के अवशेष मिले, यानी कि ताम्र पाषाण के और लोह काल के दोनों के मिले हैं। यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली है। विराट के अतिरिक्त बालातल ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र मिला, यानी कि बुना हुआ वस्त्र पूछ ली कहाँ कहाँ मिला है, तो विराट मिला, दूसरा बालातल में मिला। उसके बाद आती है गणेश्वर की सभ्यता। सीकर जिले के नीम के थाना तहसील में गणेश्वर से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्बर संचयी संस्कृति कहा जाता है। यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी के क्षेत्र में पलवित हुई। गणेश्वर में ताम्बर उपकरण लौटाए तो मिले हैं, इस कारण खेतड़ी ताम्बर भंडार के, यानी कि गणेश्वर का सीकर में नीम के थाने के पास में, इसी के पास में एक खेतड़ी है झुंझुनू के अंदर जो ताम्बर के भंडार मिले हैं, तो यानी कि शायद उसके आसपास निकटता है इसकी। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक अंगूठे मिले हैं। ऐसे प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पीनों को पश्चिम और मध्य से निर्यात, यानी कि यहाँ पे जो ऐसे मिले हैं इससे ऐसे लगता है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी वहां से शायद इनके साथ आयात निर्यात होते थे। यहाँ पे मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, एक तो हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के बर्तन और दूसरे हैं लाल चिकने मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबास, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हाड़ियां मिली हैं। आहार व गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी, परंतु उनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के भी अवशेष मिले, यानी कि तांबे के बाद में जो लोह युग आया था इन दोनों सभ्यताओं में उन दोनों के मिक्सचर मिल रहे हैं। लोह कालीन सभ्यता विराट में, सांबर में, बागोर में, रेट में आदि में मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं विराट, ये अशोक का विराट का शिलालेख है। जयपुर जिले में स्थित विराट कस्बा हर युग में सभ्यता का केंद्र रहा है। इसके बीजक की पहाड़ी भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, यानी कि जो मत्स्य नगर की राजधानी विराटनगर थी, विराट को ही कहते हैं उसको, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन बितवाए थे। मौर्य काल में भी एक प्रमुख केंद्र था। अशोक के दो स्तंभ कौन से? फाबुरु और विराट एवं बौद्ध मठ के फाबुरु शिलालेख कहाँ? विराट में। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिसमें 8 पंचमार्का और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वास्तिक व त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाश्ता हुआ पक्षी, पत्थर की मुद्राएं, लोहे के कीले और हाथ से बना वस्त्र मिला है। उपयुक्त हाथ से बना वस्त्र कहाँ का था? एक तो यहाँ विराट में था और दूसरा हमने कहाँ देखा था? दूसरा हमने देखा था बालाथल में, हाथ से बना वस्त्र मिले थे। और विराट में क्या क्या है? बिजक की पहाड़ी है, भीम डूंगरी है, फाबरू शिलालेख है और यहाँ पे 28 भारतीय यूनानी शासकों की चांदी की मुद्राएं हैं। उपयुक्त स्थल के तरस्थान में भीलवाड़ा में बागोर है। ओछियाणा जयपुर जिले में स्थित, सांबर जोधपुरा जयपुर जिले में, कौन कौन से? भीलवाड़ा में है बागोर और ओछियाणा, ये दोनों भीलवाड़ा। जयपुर जिले में सांबर, जोधपुरा है नगर, रेट, चित्तौड़गढ़ में नगरी, भरतपुर में नौ, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमाता, किलुंड आदि पाषाण ताम्र सभ्यता, यानी कि राजस्थान के अंदर पाषाण युग के भी, ताम्र पाषाण के भी और ताम्र लोह के की तीनों सभ्यताओं के मिलते हैं। ये जो स्थल है उनको याद कर ले आप, जैसे बागोर, लोछियाणा, भीलवाड़ा, सांबर, जोधपुरा, जयपुर, नगर टोंक में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, नौ भरतपुर में, जालौर में भीनमाल, पचमाता और किलुंड राजसमंद में। उत्खनन यानी कि खुदाई, मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, पाषाण यानी कि पत्थर और ताम्र यानी कि तांबा। किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। फाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? फाबरू शिलालेख विराट में। सीकर जिले में नीम के थाना तहसील में कौन सी संस्कृति थी? गणेश्वर थी। आहार संस्कृति प्राचीन काल में किस नाम से? ताम्रावती के नाम से जानी जाती थी। कोई दो ताम्र पाषाण संस्थाओं के नाम, स्थलों के नाम बताने हैं। बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं बताने हैं। आहाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे थी? और ये थोड़े को
मेंस के क्वेश्चन, राजस्थान में सभ्यता के प्रमुख प्राचीन स्थल कौन कौन से है, काली गंगा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।